Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the treatment of infertility, assisted reproductive technology, ART. And this topic is related from chapter 4, class 12. So let's start. Treatment. What is the treatment of infertility? The specific infertility clinics can help in proper treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. तो जो भी स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, जो भी क्लिनिक्स हैं, तो वो जो भी प्रॉब्लम या डिसऑर्डर्स हैं उसका ट्रीटमेंट करती है, ताकि कपल्स जो हैं वो पेरेंट्स बन सके। इन मेल यूज ऑफ विटामिन ई सी फॉलिक एसिड एंड बी 12 इम्प्रूव ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है कि ओलिगोस्पर्मिया में स्पर्म काउंट वो बहुत डिक्रीज कर जाता है। तो विटामिन ई सी फॉलिक एसिड एंड बी 12 के यूज से मेल में जो है स्पर्म काउंट को इंक्रीज किया जाता है। क्लोम्बिफेन साइट्रेट इनटेक 25 to 50 mg डेली फॉर 25 days अ मंथ फॉर 3 months इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स एंड स्टिमुलेट्स सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो क्लोम्बिफेन साइट्रेट को अगर 25 से 50 mg अगर 25 days 1 month में अगर 25 days अगर डेली लिया जाए, और ये जो है तीन मंथ तक अगर रिपीट किया जाए, तो इससे क्या होता है कि गोनाडोट्रोपिन्स जो FSH एंड NH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इसको क्या होता है, इससे इसका प्रोडक्शन इसका इंक्रीज ये होता है। FSH एंड NH क्या होता है, इंक्रीज होता है, और FSH एंड NH इंक्रीज होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन का जो सेक्रेशन होता है, जो मेल हार्मोन है, वो भी इंक्रीज करता है। टेस्टोस्टेरोन मे बी टेकन ऑरली 100 to 160 mg डेली फॉर 3 months। या तो टेस्टोस्टेरोन को जो है ऑरली टेबलेट के रूप में सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन को अगर 100 to 160 mg अगर डेली 3 से 4 month तक डेली भी लिया जा सकता है। डेक्सामिथासोन इज यूज टू करेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज इन द सेमेन। तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज क्या करता है, ये जो है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज जो है ये क्या करता है, फाइट करता है। किसके अगेंस्ट फाइट करता है, तो ये फाइट करता है स्पर्म के अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट स्पर्म। तो ये स्पर्म के अगेंस्ट जो है वो फाइट करता है। तो अगर हम डेक्सामिथासोन लेते हैं, तो डेक्सामिथासोन से क्या है, तो जो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज है सेमेन में जो प्रेजेंट है, जो स्पर्म के अगेंस्ट फाइट करता है, उसको वो करेक्ट करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज करेक्टेड बाय यूज ऑफ सिल्डनी फिल सर्जरी रिक्वायर्ड फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वॉसा डिफरेंशिया एंड ऑल्सो फॉर करेक्टिंग वैरियो को सिली एंड नॉन डिस्टेंस ऑफ टेस्टिस। तो जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जो इरेक्शन से जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए सिल्डनी फिल सर्जरी होता है। इसके लिए क्या होता है कि अगर इससे क्या होता है कि अगर वॉसा डिफरेंशिया या वॉसा डिफरेंसिस में अगर किसी तरीके का ब्लॉकेज है तो उसको ठीक किया जाता है। दूसरी बात है वैरियोकोला, तो ये क्या होता है कि वैरियोकोला होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ वैन विदिन स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के अंदर जो वैन प्रेजेंट होता है, इससे क्या होता है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, तो उसको कहते हैं वैरिकोसिल। तो वैरिकोसिल को क्या करता है, ये जो सर्जरी है वो उसको करेक्ट करता है। एंड नॉन डिस्टेंस ऑफ टेस्टिस, तो जो एंड टेस्टिस नॉन डिस्टेंस ऑफ टेस्टिस मीन्स क्या हुआ कि टेस्टिस का जो पोजीशन होता है उसको भी ये करेक्ट करता है। मेल इनफर्टिलिटी मे बी करेक्टेड बाय अवॉइडेंस ऑफ इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइट एंड वार्म अंडरगारमेंट्स। मेल इनफर्टिलिटी को करेक्ट किया जा सकता है अल्कोहल को अगर लेना अवॉइड किया जाए तो उससे, या अवॉइडेंस ऑफ लाइट या वार्म अंडरगारमेंट्स, एंड लाइट एंड वार्म अंडरगारमेंट्स को भी है यूज करना जो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। इन फीमेल डेक्सामिथासोन इज यूज्ड टू करेक्ट एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज इन सर्वाइकल म्यूकस। तो फीमेल में भी क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज होता है जो स्पर्म के अगेंस्ट फाइट करता है, जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करता है। तो डेक्सामिथासोन लेने से जो एंटी स्पर्म एंटीबॉडी सर्वाइकल म्यूकस में है वो उसको करेक्ट करता है। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो ट्रीटिंग इन्फेक्शन, अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक्स लेकर भी ठीक किया जाता है। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय क्लोम्बिफेन साइट्रेट, और जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन मतलब क्या हो कि रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी से जो एग रिलीज होता है उसको ओव्यूलेशन कहते हैं।
तो ओव्यूलेशन किससे कराया जाता है, क्लॉम्बिफेन साइट्रेट का यूज करके जो है ओव्यूलेशन कराया जाता है। ओवरियन सिस्ट, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, यूट्राइन डिफेक्ट्स आर करेक्टेड बाय सर्जरी। ये जो ओवरियन सिस्ट, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज या यूट्राइन डिफेक्ट्स, इसको सर्जरी के द्वारा भी करेक्ट किया जाता है। हाउएवर वेयर सच ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, द कपल्स कैन बी असिस्टेड टू हैव चाइल्ड थ्रू सर्टेन स्पेशलाइज टेक्निक्स फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इन सभी के अलावा जो है, अगर कपल्स चाहते हैं कि उनको चाइल्ड हो, तो उनको एक स्पेशल टेक्निक का भी यूज किया जाता है। तो वो जो स्पेशल टेक्निक है उसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वो पेरेंट्स बन पाते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू सॉल्व इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। ये जो ये क्या है, एक तरह का रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, सेकेंड इज आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन टेक्निक्स AIT, एंड थर्ड इज गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर GIFT, एंड फोर्थ इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। फर्स्ट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ वोमेन टू फॉर्म अ जायगोट व्हिच इज अलाउड टू डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि जो ओवम और स्पर्म है, इसका जो फ्यूजन है वो बॉडी के वोमेन के बॉडी के फीमेल के बॉडी के बाहर किया जाता है, और ओवम और स्पर्म फ्यूज करके जायगोट बनाता है, और फिर जायगोट से वो फिर एम्ब्रियो बनाता है। फिर एम्ब्रियो को क्या किया जाता है, एम्ब्रियो इज देन इम्प्लांटेड इन यूट्रस वेयर इट इज डेवलप्ड इनटू फीटस, और फिर एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट्स किया जाता है, ताकि फिर यूट्रस में जो है एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाए, फीटस में कन्वर्ट हो जाए, डेवलप्ड होकर वो फीटस बन जाए, और फीटस जो है फिर डेवलप्ड होकर वो चाइल्ड बन जाए। तो इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इन दिस मैथड ओवा फ्रॉम वाइफ और डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड और डोनर मेल आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जायगोट इन द लेबोरेटरी। इस मैथड में क्या होता है कि वाइफ या डोनर फीमेल जो भी है उससे ओवा कलेक्ट किया जाता है, और हस्बैंड और डोनर मेल जो भी हो उससे स्पर्म कलेक्ट किया जाता है। और जो ये ओवा और स्पर्म का फ्यूजन है वो कहाँ किया जाता है, वो लेबोरेटरी में किया जाता है, और ओवा और स्पर्म को जो है फ्यूज कराकर जायगोट फॉर्म करता है किया जाता है, वो भी लेबोरेटरी में। तो जायगोट इज अलाउड टू डिवाइड टू फॉर्मिंग एट ब्लास्टोमियर, फिर जायगोट डिवाइड करके एट ब्लास्टोमियर फॉर्म होता है। एंड द जायगोट एंड अर्ली एम्ब्रियो, तो यहाँ जायगोट एंड अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब GIFT, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फिर जो जायगोट और ये अर्ली एम्ब्रियो है, इसको किस में ट्रांसफर किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको कहते हैं जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इफ द एम्ब्रियो इज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, अगर एम्ब्रियो में 8 ब्लास्टोमियर से अगर एम्ब्रियो ज्यादा है, अगर इसमें 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है, अगर उसको इट इज ट्रांसफर्ड इन टू द यूट्रस, अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है, अगर उसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको कहते हैं इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर टू कम्प्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, ताकि फिर से जो एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो फर्दर डेवलपमेंट कर सके। दस इट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एट स्टार्ट ऑफ द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ जो है ओवा और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है, ये फर्टिलाइजेशन होता है, ये बॉडी के बाहर होता है, और जो बॉडी में जो कंडीशन, जो एनवायरमेंट रहता है, सेम वही कंडीशन लेबोरेटरी में भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो जो फ्यूजन है वो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर होता है। और फिर जब फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट और एम्ब्रियो फॉर्म करता है, तो उस जायगोट और एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ओके, द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यहाँ एग और एग कलेक्ट किया गया, ठीक है, उसके स्पर्म को लिया गया और उसको यहाँ पर जो है लेबोरेटरी में दोनों को फ्यूज कराया गया। एंड देन जो ये एग हो गया, जो फर्टिलाइज्ड एग हो गया, फिर उसको इनक्यूबेटर में रखा जाता है 48 आवर्स के लिए, और देन फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में, ताकि उसको इम्प्लांट कर किया जा सके। सो दिस इज द टेस्ट ट्यूब बेबी। नाउ द सक्सेस रेट ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन द यूट्रस वेयर इट डेवलप्ड इनटू फीटस व्हिच फॉर्म्स ए चाइल्ड। तो यहाँ जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन किया जाता है यूट्रस में, फिर वो फीटस में डेवलप्ड होता है, और फिर वो चाइल्ड फॉर्म करता है।
The mother will give birth to a normal child on the completions of gestation. तो जैसे कि मदर जो अगर चाइल्ड को जो नॉर्मल चाइल्ड को एक को जो जन्म देती है गेस्टेशन पीरियड के कंप्लीट होने पे, गेस्टेशन पीरियड क्या हुआ, ये 9 मंथ का जो पीरियड होता है तो उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं. तो दिस इज अ टेस्ट ट्यूब बेबी. इट इज नोटेड दैट बेबी इज नॉट रियर्ड इन द टेस्ट ट्यूब. यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इसको जो है बेबी इज नॉट रियर्ड इन द टेस्ट ट्यूब. यहाँ बेबी का जो है वो रियर्ड मतलब जो उसका डेवलपमेंट होता है वो टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है, बल्कि यहाँ क्या होता है सिर्फ ओवा और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है वो लैबोरेटरी में होता है और फिर जैगोट और एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है. ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब में ही बेबी का डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं होता. सक्सेस रेट ऑफ दिस टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग टेस्ट ट्यूब बेबीज इज लेस देन 20%. और जो सक्सेस रेट है टेस्ट ट्यूब बेबी का वो क्या है, लेस देन 20% है. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय जो ब्राउन was born to Leslie and Gilbert Brown on July 25, 1978 in Oldham, Lancashire, England with the help of Dr. Patrick Steptoe and Dr. Robert Edward. तो डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टोई एंड डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड द्वारा जो है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो लुइस जॉय जॉय एंड ब्राउन को जो है वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इनके द्वारा किया गया. डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड को नोबेल प्राइज 2010 में जो उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला ताकि उन्हें ये जो टेक्निक फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के डेवलपमेंट के कारण उनको नोबेल प्राइज मिला. लेटर ऑन टेस्ट ट्यूब बेबीज आर ऑल्सो बॉर्न इन अदर कंट्रीज. और उसके बाद जो है बहुत सारे अदर कंट्रीज में भी टेस्ट ट्यूब बेबी का से जो है बॉर्न होने लगा. नाउ इंडियन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 6, 1986 एट के ई एम हॉस्पिटल मुंबई. Her name is Kum Harsha. The credit for Indian first test tube baby goes to Dr. Indra Hinduja. तो जो इंडिया का जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है जो अगस्त 6, 1986 में मुंबई के हॉस्पिटल में जन्म हुआ जिसका नाम है कुम हर्षा. और ये जो जो डॉक्टर ने जिसने जिसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का क्रेडिट दिया गया वो डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा. सम पर्सन क्लेम डैट इंडियंस और कुछ लोगों का क्लेम करना था कि इंडिया और एशिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी और वर्ल्ड का सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी है वो कोलकाता में बॉर्न हुआ था 3 अक्टूबर 1978 में, जिसका कि पहले नाम दुर्गा था और अभी उसका नाम जो है कनु प्रिया अग्रवाल है. और जो इसके पीछे जो डॉक्टर है उसका नाम है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी. नाउ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, द स्पर्म कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर आर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इन टू द वेजिना और इन टू द यूट्रस ऑफ द फीमेल. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म है वो कलेक्ट किया जाता है या तो हस्बैंड से कलेक्ट किया जाता है या हेल्दी डोनर से कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको आर्टिफिशियली जो है उसको फीमेल के वेजिना या यूट्रस में जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो इसको कहते हैं इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन भी कहते हैं. It is done in fertility case either due to inability of male partner to copulate the female or due to very low sperms count in the semen of the male partner. तो artificial insemination उस केस में किया जाता है जब यहाँ infertility जो है वो male partner की वजह से हो, या तो वो copulate नहीं कर सकते हो या जो sperm count हो semen में वो बहुत कम हो, तो उस केस में जो है artificial insemination का use किया जाता है. जस्ट नियर द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के जो ओव्यूलेशन का जो टाइमिंग होता है उस टाइम में क्या होता है, अबाउट 0.3 ml ऑफ वॉस्ड एंड कंसनट्रेटेड सेमेन. 0.3 ml ऑफ वॉस्ड और कंसनट्रेटेड सेमेन लिया जाता है जिसमें कि ऑलमोस्ट जो है एटलीस्ट 1 million स्पर्म्स रहता है फ्रॉम हस्बैंड इज इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली. और ये जो 1 million स्पर्म्स को जो है वो हस्बैंड से जो है उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें, वेजिना और यूट्रस में. तो जो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है वो फ्लेक्सिबल पॉलीइथाइलीन कैथेटर इसके द्वारा जो है आर्टिफिशियली जो है वोमेन के वेजिना या यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए इसको इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन भी कहते हैं. वॉशिंग इन कल्चर मीडिया रिमूव्स द प्रोटीन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन. तो ये जो 0.3 ml ऑफ वॉस्ड और कंसनट्रेटेड से मिल लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन जो सेमेन में होता है उससे क्या होता है कि वो क्या होता है वो रिमूव हो जाता है सेमेन से. बेस्ट रिजल्ट्स आर ऑब्टेंड व्हेन द मोटाइल स्पर्म काउंट इज मोर देन 10 मिलियन. और इससे बेस्ट रिजल्ट तब मिलता है जब
मोटाइल स्पर्म काउंट जो हो वो 10 मिलियन से ज्यादा हो. द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ स्पर्म इज अबाउट 24 to 48 आवर्स. जो स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ का जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो 24 से 48 आवर्स तक का होता है. द प्रोसीड्योर में भी रिपीटेड 2 to 3 times ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 days. और जो ये प्रोसीड्योर है वो 2 to 3 times उसको रिपीट किया जाता है. 2 to 3 days तक जो है उसको दो या तीन टाइम तक उसको रिपीट किया जाता है इस प्रोसेस. द रिजल्ट वेरीज इन डिफरेंट सेंटर्स रेंजिंग 20 to 40%. अलग अलग सेंटर्स में ये रिजल्ट क्या होता है वेरीज करता है 20 से 40%. When husband's sperms are deactive, अगर हस्बैंड का स्पर्म जो अगर वो डीएक्टिव हो देन AID आर्टिफिशियल मैथड का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर मैथड का यूज किया जाता है ताकि दूसरे डोनर से जो है मेल डोनर से स्पर्म को कलेक्ट किया जाए. इस मैथड में सेमेन को जो है सेमेन बैंक से भी कलेक्ट किया जाता है. सो इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो ये कैथरेट ट्यूब जो है उससे जो है डायरेक्टली यूट्रस में और वेजिना के थ्रू यूट्रस में जो है स्पर्म को जो है इंजेक्ट किया जाता है. गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर GIFT वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द एच एंड कलिक्स इन 1944 में फर्स्ट डिस्क्राइब किया जाता है. ये बहुत एक्सपेंसिव होता है एंड इन्वेसिव प्रोसीड्योर देन IF. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में के कंपेरिजन में ये ज़्यादा एक्सपेंसिव और इन्वेसिव प्रोसीड्योर है लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है IVF से बेटर होता है. इन दिस टेक्निक बोथ स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड ओसाइट्स स्पर्म और एग को ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में. यहाँ जो है स्पर्म और एग दोनों को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है. उसके बाद फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फीमेल बॉडी के अंदर इसलिए इसको क्या बोलते हैं इन वीवो भी कहते हैं. और GIFT टेक्निक नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब से रिक्वायर्ड और इसके लिए क्या होता है GIFT टेक्निक के लिए क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब का नॉर्मल फंक्शनिंग होना बहुत जरूरी होता है. Best results is obtained in unexplained infertility, but the result is poor in male factor abnormality. अगर infertility का problem हो तो इसमें best result मिल सकता है लेकिन अगर male factor में अगर abnormality हो तो इससे result poor होता है. In this procedure, the super ovulation is done in IVF. Intra vitro fertilization में क्या होता है super ovulation किया जाता है. Super ovulation मतलब क्या हुआ कि अगर 1 month में अगर ovary से more than one egg release. अगर एक से ज़्यादा अगर एक रिलीज होता है ठीक है वन टाइम में अगर एक से ज़्यादा एक रिलीज होता है उसको कहते हैं सुपर ओव्यूलेशन. टू कलेक्टेड ओसाइट्स दो ओसाइट्स और एक को कलेक्ट किया जाएगा विद अबाउट 2 lakh to 5 lakh मोटाइल स्पर्म्स को फॉर ईच फेलोपियन ट्यूब्स और उसको प्लेस्ड किया जाता है प्लास्टिक ट्यूब कंटेनर में उसको प्लेस्ड किया जाता है. इट इज देन ट्रांसफर्ड थ्रू लैप्रोस्को. उसके बाद इसे जो है ओसाइट्स और मोटाइल स्पर्म्स को ट्रांसफर किया जाता है लैप्रोस्कोप. तो ये जो लैप्रोस्कोप है ये एक तरह का क्या है मशीन है जो जो कि एब्डोमिनल वॉल से उसको इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स का व्यू वो पूरी तरीके से अच्छे से वो उसे दिखता है और फिर इंसर्ट किया जाता है 4 centimeters इंटू द डिजिटल एंड ऑफ द और उसके बाद जो है लैप्रोस्कोप से जो है 4 centimeters जो है अंदर की तरफ डिजिटल एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो इंसर्ट किया जाता है. ओके द ओवरऑल सक्सेस रेट इज प्रोसीड्योर और इस प्रोसीड्योर से IFT का जो सक्सेस रेट है वो 27 to 30% है. सो ये क्या है गिफ्ट कैथेटर इंट्रोड्यूसर है जिसके थ्रू जो है स्पर्म और ओसाइट को जो है इंजेक्ट किया जाता है फेलोपियन ट्यूब. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बेन स्ट्रेटम एंड कलिक्स इन 1992 इन बेल्जियम. तो द फॉलोइंग कंडीशंस कॉजिंग इनफर्टिलिटी तो जो कंडीशन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है जैसे कि सीवर ऑलिगोस्पर्मिया अगर स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम हो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट डक्ट सिस्टम इन मेल अगर मेल का जो इफरेंट डक्ट सिस्टम है अगर उसमें ब्लॉकेज हो या स्पर्म एंटीबॉडीज का प्रेजेंट अगर हो कि जैसे कि स्पर्म को वो से कि अगर स्पाइट करता है स्पर्म को वो डैमेज करता है. कॉन्जेनाइटल ऑब्सेंस ऑफ बोथ वॉसा डिफरेंसिया वॉसा डिफरेंसिया इन मेल. तो कॉन्जेनाइटल मतलब क्या हुआ कि अगर बाय बर्थ ऐसा कोई अबनॉर्मलिटी हो जिसकी वजह से वॉसा डिफरेंशिया और वॉसा डिफरेंशिया मेल में क्या हो ऑब्सेंट हो या फर्टिलाइजेशन अगर फेल्योर हो जाए हार्ड एंड जोनापिसिडा
अगर जोना प्लेसिडा हार्डन हो जाए उसकी वजह से अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, तो ये सारी जो है इनफर्टिलिटी के अलग अलग कारण है। तो इन दिस प्रोसीड्योर फर्स्ट स्पर्म्स आर ऑब्टेंड थ्रू इजैकुलेशन। तो इस प्रोसीड्योर में क्या होता है कि सबसे पहले जो है स्पर्म को जो है इजैकुलेशन के द्वारा ऑब्टेंड किया जाता है और फिर स्पर्म को रिकवर्ड किया जाता है। दो मेथड है, TESE टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन और दूसरा है और वह MESA माइक्रो सर्जिकल एपिडर्मल स्पर्म एस्पायरेशन टेक्निक के द्वारा उसको रिकवर्ड किया जाता है। इन दिस टेक्निक ओनली सिंगल स्पर्मेटोजोआ और जो और इवन स्पर्मेटिडीज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओसाइट बाय माइक्रो पंचर ऑफ जोना पिसिडा। तो इसमें किया जाता है कि सिंगल स्पर्मेटोजोआ मतलब कि सिंगल स्पर्म को जो है ओसाइट मतलब एग के ओसाइट मतलब एग के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है जोना पिसिडा में। उसमें जो है माइक्रो पंचर करके उसमें एक स्मॉल होल करके जो है जोना पिसिडा में एक के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। दिस प्रोसीड्यूर इज डन अंडर ए हाई क्वालिटी इन्वर्टेड ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। और इस जो टेक्निक है ये जो टेक्निक है ये जो प्रोसेस है उसको हाई क्वालिटी इन्वर्टेड ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की देख रेख में किया जाता है से किया जाता है। माइक्रो पिपेट इज यूज टू होल्ड आउटसाइड ओसाइट और एग को होल्ड करने के लिए माइक्रो पिपेट का यूज किया जाता है। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ को इंजेक्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओसाइट जिसको प्लाज्म कहते हैं, एक के साइटोप्लाज्म को प्लास करते हैं। तो उसमें जो है पिपेट के द्वारा जो है जो ओप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। ICSI इज वेरी इफेक्टिव एज कम्पेयर टू अदर माइक्रो मैनिपुलेशन टेक्निक लाइक SUZI सब जोनल इंसेमिनेशन। तो ICSI जो है ये टेक्निक है ज्यादा इफेक्टिव है दूसरे टेक्निक जैसे कि SUZI सब जोनल इंसेमिनेशन टेक्निक से अगर कंपेरिजन किया जाए तो ICSI जो है वो बेस्ट टेक्निक है। तो यहाँ क्या है कि ये माइक्रो पिपेट जो है इससे होल्ड किया गया एक को, उसके बाद यहाँ पिपेट के द्वारा एक के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है। ICSI इज अ वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस द नीड ऑफ AID। द फर्टिलाइजेशन रेट क्या है इसका 60-70% है और जो प्रेगनेंसी होता है इसके द्वारा वो 20-40%। नाउ द जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर GIFT। इसमें क्या होता है कि इस टेक्निक में कि जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो को जो है जो 8 ब्लास्टोमियर तक का हो उसको डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ क्या है कि जो जायगोट जायगोट यहाँ जो है बहुत यहाँ जायगोट को जो है फेलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली जो यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है। इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर IUT इफ द एम्ब्रियो इज मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो तो उसको ट्रांसफर करते हैं लेबोरेटरी टू द यूट्रस में। तो जो जायगोट सॉरी जो एग और स्पर्म है उसको फ्यूज कराकर जायगोट फॉर्म किया जाता है। फिर एम्ब्रियो जो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का हो उसको जो है लेबोरेटरी में क्या किया जाता है उसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो फिर से फर्दर डेवलपमेंट कर सके। तो इस मेथड के लिए बहुत स्पेशलाइज पर्सन की ज़रूरत होती है, बहुत एक्सपेंसिव महंगे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है और इंडिया में और कंट्री में बहुत कम सेंटर्स ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ की ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और इसके लिए जो है बहुत लिमिटेड पर्सन भी है क्योंकि इसे सब लोग इसे बहुत स्पेशलाइज पर्सन की ज़रूरत होती है इसके लिए। इमोशनल सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स भी इसके साथ जुड़े होते हैं। In India, there are so many orphan and destitute without food, clothes and other necessary things. तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे orphan अनाथ बच्चे हैं या वैसे बच्चे हैं जिन्हें खाना जिन्हें भोजन क्लॉथ या कुछ जरूरी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती है। तो adoption of these children is one of the best method for couple looking for parenthood. तो जो ऐसे बच्चे हैं जो orphan child है जो अनाथ बच्चे हैं अगर जो कपल जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं अगर वो वैसे बच्चों को अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये क्या होता है बेस्ट मेथड होता है और जो हमारा लॉ है हमारा जो कानून है वो भी इसको लीगली लीगल परमिट करता है। अब है सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर क्या होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल। जैसे कि अगर वाइफ और हस्बैंड से अगर ओवा स्पर्म लिया जाए ओके और इसको लेबोरेटरी में फ्यूज किया जाए एंड देन क्या करता है ये जो फ्यूजन होता है जायगोट उसको जो है वो वाइफ में के यूट्रस में नहीं बल्कि किसी दूसरे वोमेन के यूट्रस में अगर उसको इम्प्लांट किया जाता है और वही वोमेन क्या करती है उस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में मदद करती है तो उसको क्या कहते हैं सरोगेट मदर।
एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट्स आर मोर यूजफुल इन एनिमल्स देन इन ह्यूमंस। जो एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांट्स है वो एनिमल के केस में ज्यादा यूजफुल है ह्यूमन के केस ह्यूमन के कंपैरिजन में। सो दिस इज द इंट्रा इंसेमिनेशन इंट्रा यूटरिन इंसेमिनेशन। ड्रॉबैक्स ऑफ एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का क्या है, कुछ डिसएडवांटेज है कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो दिस टेक्निक्स फर्स्ट क्या है कि रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट्स। वैसे हाईली क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत होती है जो इस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर सके, और बहुत सावधानी से ये प्रोसेस जो है कैरी करना पड़ता है। सो कंटिन्यूटी एट प्रेजेंट दीज फैकल्टीज आर अवेलेबल ओनली अ फ्यू वेरी फ्यू सेंटर्स इन कंट्री। और ये जो फैकल्टीज है ये बहुत कम सेंटर्स में कंट्री में बहुत कम सेंटर्स में ये अवेलेबल है, और ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन अफोर्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस टेक्निक। जो कॉमन लोग होते हैं वो इस टेक्निक का को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो इस टेक्निक से को अफोर्ड कर सकते हैं। मेनी पीपल आर रिलक्टेंट टू अडॉप्ट दिस मेथड फॉर इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल रीजंस। बहुत लोग जो हैं जो इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए बहुतों के साथ इमोशनल सोशल और सोशल एंड रिलीजियस रीजंस भी जुड़े होते हैं। तो कपल के लिए सबसे बेस्ट होता है कि वो चाइल्ड को क्या कर लें, अडॉप्ट कर लें। वैसे चाइल्ड को अडॉप्ट कर लें जो अनाथ है, जिनके पास जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो भी जो जो जरूरत की जो चीज़ें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। और ये लीगल भी सो बेस्ट क्या है कि अगर आप पेरेंट बनना चाहते हैं तो यू मस्ट अडॉप्ट द ऑर्फन चाइल्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and share this video and subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. So keep watching and stay tuned. Thank you so much.